2019 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड का Hyundai Venue का कल ग्लोबल अनवेल था और आज जो है हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना कोई ज्यादा समय गवाए मेरा नाम है रिद्धिमान और आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। तो चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं Hyundai Venue के बारे में। सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जो है इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस बना रखा है Hyundai Venue पे, जिसमें मैंने जो है मोरलेस सारी चीजें कवर कर ली है कि क्या चीज इंजन स्पेसिफिकेशन होने वाला था, क्या इंटीरियर में आपको मिलेंगे, एक्सपेक्ट कंपैरिजन किया था इसके प्राइम राइवल्स के साथ, और साथ ही जो है मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर्स है वो क्या है और कैसे काम करते हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने इन वीडियोज को देख लिया है तो आई लव यू गाइस, मतलब थैंक यू, क्योंकि इस कार का कल ऑफिशियल ग्लोबल अनवेल था। तो आज इस वीडियो में थोड़ी और डिटेल में जो है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटीरियर्स की, क्योंकि भाई लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्टाइल मारने के लिए लुक्स चाहिए अपने को। और यहाँ पे बात करते हैं हम Hyundai Venue के लुक्स के बारे में, यानी कि एक्सटीरियर्स के बारे में। तो भाई सामने से जो है ना, मतलब स्पाई पिक्स में हमने देख ही लिया था क्या मिलने वाला है। तो सामने आपको एक बड़ा सा कैस्केडिंग ग्रिल मिलता है Hyundai का, जो टिपिकल हेक्सागोनल ग्रिल है, काफी बड़ा है। उसके बगल में जो है आपको, मतलब नया ट्रेंड जो चला हुआ है स्प्लिट हेडलैम्प्स का, तो ऊपर आपको जो है LED DRLs एंड टर्न इंडिकेटर्स और नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे। काफी बढ़िया ओवरऑल लुक है फ्रंट से। रेयर की अगर हम बात करें तो थोड़ा बॉक्सी सा रेयर डिजाइन है, लेकिन अच्छा डिजाइन है। टेल लैम्प जो है वो LED यूनिट है और काफी स्टाइलिश है, कंटेम्प्रेरी डिजाइन है। 16 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका डिजाइन बहुत ही फाड़ है, मतलब आपको जो है सही में काफी अच्छा डिजाइन मिलता है। और अगर आप नियर पास्ट में लॉन्च किए गए किसी भी Hyundai के कार के अलॉय व्हील से इस अलॉय व्हील के डिजाइन को कंपेयर करें, देन दिस डायमंड कट अलॉय व्हील्स लुक रियली वेरी गुड। तो ये हो गया एक्सटीरियर की बात, क्योंकि लुक्स जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को बहुत पसंद आ सकते हैं, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ सकता। तो आप मुझे नीचे बताओ कि आपको कैसा लगता है। ओवरऑल आई फील दैट द डिजाइन ऑफ द Hyundai Venue, सॉरी एक्सटीरियर डिजाइन ऑफ द Hyundai Venue इज वेरी कंटेम्प्रेरी एंड स्टाइलिश। तो अपने को वही चाहिए ना यार, स्टाइलिश गाड़ी तो सबको पसंद आती है, और यहाँ पे ये स्टाइलिश है, मतलब मुझे लग रही है स्टाइलिश है। बाकी आप बताओ। तो कैसे बात करते हैं Venue के इंटीरियर की, ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी के Venue के इंटीरियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं Hyundai Venue के इंटीरियर की, क्योंकि छत पे बैठ के कोई भी गाड़ी के ट्रैवल नहीं करता, बहुत खराब जोक था सॉरी। तो Venue के अगर हम इंटीरियर की बात करें तो गाइज बहुत ही वेल पुट टुगेदर और काफी स्टाइलिश डैशबोर्ड डिजाइन आपको मिलता है। पीछे जितने भी Hyundai के कार्स हैं उससे जो है इसका डैशबोर्ड डिजाइन जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दिस इज अ वेलकम चेंज, काफी अच्छा डिजाइन है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है एंड आई पर्सनली लाइक ऑल ब्लैक इंटीरियर है लॉट, काफी स्पोर्टी फीलिंग देता है। डैशबोर्ड के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आर्किमिस से सोर्स्ड है, और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपके फोन को जोड़ने के लिए तमाम सारी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू लिंक का फीचर तो आपको मिलता ही है, और वोडाफोन आइडिया का जो है eSIM सपोर्ट भी आपको इस कार के साथ मिल जाता है। एंड विद दैट दिस कार बिकम्स द फर्स्ट कार इन दिस सेगमेंट टू कम विद द eSIM फीचर and also becomes the first car in this segment which is a connected car. So, taali maaro bhai. बाकी दोस्तों आपको टेक्सचर डैशबोर्ड डिजाइन मिल जाएगा, कूल्ड ग्लोव बॉक्स मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग डॉक मिल जाएगा, लेदर फिनिश ऑन दी सीट्स मिल जाएंगे, स्टीयरिंग भी जो है लेदर फिनिश्ड है। तो ये सारी चीजें जो है ओवरऑल Hyundai Venue के इंटीरियर को काफी बढ़िया और काफी स्पोर्टी, काफी अच्छा बना देता है। सनरूफ भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल गाइस Hyundai Venue का जो इंटीरियर है काफी प्रीमियम है, काफी अच्छा है, वेल लेड आउट है, फिट एंड फिनिश काफी बढ़िया आपको मिल जाती है, और फीचर लोडेड तो भाई है, मतलब फीचर लोडेड। मैंने इंस्टाग्राम पे आपको ऑलरेडी बता दिया था कि क्या इंजन ऑप्शंस जो है आपको मिलने वाले हैं इन द न्यू Hyundai Venue। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि इंस्टाग्राम पे जो है मेरे को फॉलो कर लो, नीचे आपको दिख जाएगा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। सो गाइस 3 इंजन ऑप्शंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। एक है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि तकरीबन 120 bhp की ताकत देता है एंड कम्स मेटेड विद 2 गियर बॉक्सेस। वन इज अ 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स एंड अनदर इज अ 7-speed डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब इसके साथ पता है खासियत क्या है, ये पहली कार है इन द एंटायर सेगमेंट जो डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देता है। दूसरा है दोस्तों 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि तकरीबन 83 bhp की ताकत देता है, और ये इंजन जो है आपको देखने को मिलता है i20 में।
ही आपको देखने को मिलेगा एक 1.4 लीटर का डीजल इंजन जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 90 bhp की ताकत आपको देता है। तो ये थे तीन इंजन ऑप्शंस। अब ये तीन इंजन जो है रोड पे कैसे परफॉर्म करते हैं ये तो लॉन्च के बाद हमें पता चल ही जाएगा, और उस टाइम मैं जो है कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक ड्राइव के ऊपर वीडियो लाने की। सो गाइज ये है तीन इंजन ऑप्शंस। एक्सटीरियर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर के बारे में मैंने आपको बता दिया, और साथ ही मैंने आपको बता दिया इंजिन्स के बारे में। अब बात करते हैं लंबाई चौड़ाई की। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखें तो गाइस 4 मीटर के अंदर है, ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी इसलिए इसको 4 मीटर के अंदर रखा गया है। तो 3995 जो है ओवरऑल लेंथ है। अगर हम विड्थ की बात करते हैं तो वो 1770 है, तो ये वाइडेस्ट इन दी सेगमेंट नहीं है, इससे भी ज्यादा वाइडेस्ट कार जो है आपको देखने को मिल जाएगा विच इज दी एक्सयूवी 300 जो कि इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा चौड़ी कार है। अब अगर हम बात करते हैं वेन्यू की हाइट की तो वो है 1590 mm, तो ये भी जो है सबसे ज्यादा ऊंची कार नहीं है, इससे भी ऊंची कार जो है आपको मिल जाएगी सेगमेंट में। अगर मैं व्हील बेस की बात करता हूँ तो वो जो है ऑलमोस्ट सेम है जो भी सारे सेगमेंट में दूसरी कार है उससे जो है बराबर की है विच इज 2500 mm। ओवरऑल जो इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन है उससे तो Hyundai Venue काफी बेहतरीन कार निकल के आ रही है, काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, लुक्स भी काफी अच्छा है, वेल बिल्ट एंड काफी अच्छे फिट एंड फिनिश के साथ आता है, सेफ्टी फीचर्स आपको पूरे मिल जाते हैं, और वैसे कंफर्ट कन्वीनियंस एंड कनेक्टिविटी फीचर्स तो आपको अच्छे मिलते हैं हर Hyundai के कार में। तो गाइस बाकी ये कार जो है ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी 21 मई को जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, और 8 से 12 लाख के बीच में जो है इसकी प्राइसिंग मॉडल है वो होगा 8 to 8.2 lakh स्टार्टिंग प्राइस के साथ आएगा, और ऑलमोस्ट 12 से 13 लाख के तक जो है इसका टॉप मॉडल जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या ओपिनियन है अबाउट द Hyundai Venue, क्या बढ़िया लगा। मतलब देखो यार मैं सही बताऊं ना तो मेरे को लगता है Hyundai Venue काफी तगड़ी पैकेज है और इस सेगमेंट में ना धमाल मचाएगी। आप मुझे नीचे बताओ फिर आप लोगों के साथ जैसे मैं यूजुअली कमेंट सेक्शन में डिस्कस करता हूँ वैसे करूंगा अबाउट द न्यू Hyundai Venue। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन को दबा दीजिए, और अगर आपने अब तक ऑटो तत्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, फ्री है, और उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी आपका भाई अगला वीडियो अपलोड करे तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। विद दैट गाइस जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं ऑलवेज वॉच योर सीट बेल्ट, ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।